Very, very good morning, my dear students. I am Var sir, you are a science teacher. जैसा आप जानते हैं कि हमारे टर्म सेकंड में तीन चैप्टर्स थे साइंस में. पहला चैप्टर था एयर एंड वाटर, सेकंड चैप्टर द मून, एंड थर्ड चैप्टर इज नोइंग आवर एनवायरमेंट. जो पहले दो चैप्टर्स हैं एयर एंड वाटर और मून, वो हमने विंटर वेकेशन से पहले ही कंप्लीट किए हैं और उसके क्वेश्चन भी हमने सेंड किए हैं. तो आज हम लेसन नंबर थर्ड, जो चैप्टर नंबर 11 है आपके बुक पे, पेज नंबर 113, वो पढ़ने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. नोइंग आवर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या है? व्हाट डू यू नो एनवायरमेंट? क्या होता है एनवायरमेंट? एनवायरमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड्स अस. कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, पाया जाता है, दैट इज सिंपल डेफिनेशन है ये एनवायरमेंट की. एनीथिंग दैट सराउंड्स अस और इट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स कंडीशंस दैट सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वो चीजें जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में है, इनको हम सराउंडिंग्स कहते हैं. एक्चुअली दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, सच एज एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स. ठीक है, इसके अलावा कुछ और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे सनलाइट है, सॉइल है, बाकी चीजें. The science which deals with the environment, वो साइनस जिसमें हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इससे बोलते हैं इकोलॉजी. इकोलॉजी, ठीक है. ये जो वर्ड है एनवायरमेंट, जो वर्ड है एनवायरमेंट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनवायरन. Which means to surround. अब हमारे इर्द गिर्द माहौल में क्या है? एयर भी है, वाटर भी है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं, और इसके बाद और कुछ भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है. ये तो सारे कंपोनेंट्स हैं किसके? एनवायरमेंट. ठीक है बेटा, इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. जो हमारा एनवायरमेंट है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? जैसे मैंने पहले ही बोला कि एनवायरमेंट में कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं. इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, there are mainly two types of components. किसमें? Environment में. पहला component है that is biotic. Biotic components. Biotic components are also known as living components. They are also known as living components. जैसे example, किसकी example? जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरमेंट में, वो क्या क्या है? प्लांट्स,
animal is and microbes. These are the living components of an environment. चाहे प्लांट हैं, चाहे एनिमल्स हैं या microbes हैं. These are the living components of the environment. इसके बाद बेटा जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे एनवायरमेंट में, इससे पहले हम इस पे जाए सेकंड कंपोनेंट पे. जो ये बायोटिक है इसमें तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. जो पहला है दैट इज प्रोड्यूसर. किसमें मैं बायोटिक की बात यहां पे करूं बेटा, जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गोट्रॉप्स. दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स. जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका दूसरा नाम क्या है? ऑटोट्रॉप. ऑटो मीन्स क्या होता है बेटा? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ. एंड ट्रॉफ क्या होता है? ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट. Nourishment means simply food. That means autotrophic. Autotrophs are those organisms that prepare their own food. Magar they prepare their own food by a special process, jisko hum bolte hain photosynthesis. इसका मतलब ये है जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ये यहां पे सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं अपना गजा बनाने में. एग्जांपल क्या है इसमें? और ग्रीन प्लांट्स. और ग्रीन प्लांट्स किसके एग्जांपल है? ऑटोट्रॉप्स के. ठीक है बेटा. इसके बाद है इसका सेकंड कंपोनेंट जो है दैट मीन्स कंज्यूमर्स. यही सेकंड कंपोनेंट जिसका बायोटिक कंपोनेंट है. कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दस दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स. जो प्रोड्यूसर्स अपना गजा खुद बनाते हैं तो कंज्यूमर्स वही फूड कंज्यूम करते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड.